subscribe to the channel and hit the bell icon to get notified. Hello friends, welcome to my channel. Happy Valentine's Day, and today we are going to learn to make this beautiful DIY. For this we need a sweet box, red sheet, cardboard, pen, scale, scissor and doctor tape, colors and transparent sheets. Instead of transparent sheets, we can use the glass, and last glue gun. So let's begin. मैं यहाँ पर एक स्वीट बॉक्स ले रही हूँ. स्वीट बॉक्स जो हम ले रहे हैं वो किसी भी साइज़ का ले सकते हैं. मैंने जो है सेकंड साइज़ जो यहाँ दिखा रही हूँ वो ली है. प्लस इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो इसका कैप है, वो इसके नीचे वाले हिस्से से थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसका जो एक्सेस पार्ट है उसको रिमूव कर दूंगी बाई कटिंग. एंड जो इसके ऊपर वाले पार्ट पे मैंने एक डॉक्टर टेप लगा दी है ताकि इसके जो एजेस हैं वो सिक्योर हो जाए और थोड़ा गंदा ना दिखे. तो ये जो साइज़ है अब प्रॉपर हो गई है. जो ऊपर वाला जो इसका कैप था उसकी साइज़ की हो गई है. तो आप इसको लगा कर देखेंगे तो जो एक्सेस पार्ट है वो हमने रिमूव कर दिया है. इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, सो इट विल लुक लाइक अ फ्रेम टोटली. नाउ हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये थोड़ा इसकी लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हम जो फ्लावर्स लगाएंगे वो थोड़े उभरे हुए दिखने चाहिए. तो बस उस लेंथ को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है जिसको मैंने इसकी साइज़ का कट कर लिया था. प्लस अगर आपकी लेंथ ऑलरेडी कम है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, टोटली ऑप्शनल है. इसके साइड वाले पार्ट्स पे मैं इसकी फ्रेम बनाने के लिए थोड़ा थिकनेस देने के लिए भी मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ के को कटिंग कर ली है. और दोनों साइड पर एज़ पर माई थिकनेस मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड स्टिक कर दिए हैं. लाइक मुझे थोड़ी सी थिकनेस चाहिए थी, लाइक 1 सेंटीमीटर, तो मैंने दो दो कार्डबोर्ड पीसेस चारों तरफ ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है. जब भी अच्छी तरह से ग्लू गन से स्टिक हो जाए तो इसकी भी एजेस को सिक्योर करने के लिए मैंने डॉक्टर टेप यूज़ की है, जिससे चारों तरफ से बहुत क्लियर लुक दे रहा है. नाउ इसके ऊपर वाले पार्ट में हम फ्रेम का लुक देने के लिए इसको चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का मैंने एक स्पेस लिया है, और जो बीच वाला पार्ट है उसको कट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द सीजर. सिमिलरली इसकी एजेस भी बहुत अच्छा लुक नहीं दे रही थी, तो इसको एजेस को भी सही करने के लिए हम लोग यहाँ डॉक्टर टेप का यूज़ करेंगे, और डॉक्टर टेप की हेल्प से इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए. सो इट विल लुक लाइक दिस आफ्टर अप्लाइंग द टेप. तो ये अभी बिल्कुल क्लियर लुक दे रही है, और चाहें तो आप इसको नीचे वाले हिस्से पर लगा कर देख सकते हैं. ये जो ऊपर हमने जो साइज़ बनाई है उसी के बराबर नीचे वाला हिस्सा भी है. सिमिलरली इसको पूरे को हम ब्लैक कलर कर देंगे, और इसके बेस को आपको जिस कलर का रखना है, मैं यहाँ इसमें रेड कलर का बेस रख रही हूँ, तो रेड शीट मैंने इस पर यहाँ ग्लू गन से स्टिक कर दिए. सो आफ्टर अप्लाइंग द ब्लैक कलर एवरीवेयर एंड अप्लाइंग द रेड शीट, द होल फ्रेम इज़ लुकिंग लाइक दिस. दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द फ्रेम. Now we will learn how to make flowers. So to make the flowers, it's called Cricut flowers. So with the help of machine, we can draw the flowers. But now I'm going to tell you how I make it with the help of pencil here. So मैंने यहाँ एक छोटा सा सर्कल का ले लिया है जो मेरे पास था. उस सर्कल को मैंने बीच में सेंटर पार्ट पर बनाया है, और जो स्क्रीन पर दिखाई हुई इमेज के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर फ्लावर का शेप ड्रॉ कर रही हूँ. इसको आप चाहे तो डायरेक्ट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप प्रॉपर सर्कल शेप चाहिए तो जो हमने छोटा सा सर्कल शेप का ढक्कन जो भी है वो यूज़ किया है, उसकी हेल्प से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसको चारों तरफ से हम लोग पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे, जो स्क्रीन पर दिखाई हुई इमेज को सिमिलरली ड्रॉ कर लेंगे, और उसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे. आई हैव कट अराउंड 12 हेयर. अब जो ये हमने कटिंग ली थी इसका बाहर का हिस्सा लेकर उसको अंदर की साइड फोल्ड करना शुरू करेंगे, सिमिलरली जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ. फोल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, और जो इसका लास्ट का हिस्सा है जो बचा है नीचे से सर्कल, उसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से जो हमने इसकी फोल्डिंग ऊपर की साइड से की थी उसको स्टिक कर देंगे ताकि एक फ्लावर का शेप दे. सो आफ्टर स्टिकिंग इट, इट्स लुकिंग लाइक अ फ्लावर एंड इट्स ड्राइड. बट इस फ्लावर में अभी ऊपर की कटिंग की वजह से वाइट वाइट लुक आ रहा है, तो मैंने इसको रेड कलर कर दिया है. नाउ माई फ्लावर्स आर लुकिंग लाइक दिस, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस फ्लावर्स इन द फ्रेम. अपने फ्लावर्स स्टिक कर दिए हैं तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है, और उसको अपने फ्रेम की साइज़ के से चारों तरफ से कट कर लेना है.
इस ट्रांसपेरेंट शीट पर हम मैसेज लिखने वाले हैं। आप मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखने वाली हूँ और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वाइट पेपर पे ये फॉन्ट कैलीग्राफी कर ली थी। इसके ऊपर इस ट्रांसपेरेंट शीट को एक टेप की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी ताकि ये मूव ना करे। एंड वाइट कलर की हेल्प से ये वर्ड्स मैं इस पर पेंट कर रही हूँ, वाइट अक्रेलिक पेंट। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केवल वन लेयर से काम नहीं होगा। वन लेयर ड्राई होने के बाद इस पर आपको दो या तीन लेयर भी करनी पड़ सकती है ताकि ज़्यादा क्लियरिटी आए। सो मैंने यहाँ थ्री लेयर्स अप्लाई की थी वाइट कलर वाइट अक्रेलिक पेंट की। सो आफ्टर ड्राइंग एंड इट्स आई एम रिमूविंग द टेप एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस। सो इट्स लुकिंग लाइक जैसे तो मैंने इसको कहीं से प्रिंट करवाया है। तो अब हम इसको यहाँ पर जो फ्रेम हमने तैयार किया था उसके ऊपर यूज़ करेंगे। इसको स्टिक करने के लिए हम फेविकोल यूज़ कर सकते हैं या ग्लूगन यूज़ कर सकते हैं। जब आपने इसको अच्छे से स्टिक कर लिया हो तो आप इसके ऊपर जो हमने फ्रेम का जो ऊपर वाला हिस्सा हमने बनाया था, जो इसका ढक्कन था स्वीट बॉक्स का, उसको इस पर लगा देंगे और ये हमारा क्राफ्ट बनकर तैयार है। सो ये बहुत ही ईजी क्राफ्ट है जो आप भी घर पर बना सकते हैं। दिस वैलेंटाइन एंड सरप्राइज योर पार्टनर विद योर क्रिएटिविटी। ऑल्सो इसके अंदर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे आप इसमें जो छोटी साइज़ की LEDs आती हैं उसको लगा सकते हैं। प्लस इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने पार्टनर का फ़ोटो इसके अंदर लगाकर। तो इसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है। प्लस आप इसको इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा DIY है जो बिल्कुल लुक नहीं दे रहा है कि हमने इसको मिठाई के डिब्बे से बनाया होगा। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यू ऑल्सो ट्राई इट एंड इफ़ यू ट्राई दिस क्राफ्ट एट योर होम देन प्लीज़ सेंड योर पिक्चर्स आर्ट पिक्चर्स विद मी। आई विल अपलोड देम इन टू माई नेक्स्ट वीडियोज़ एंड इट्स रियली मोटिवेट्स मी दैट यू आर ट्राइंग माई क्राफ्ट एट योर होम। So just let me know all your comments in the comment section and just hit the like button if you like my efforts and press the bell icon to get notified. Share this video and subscribe to my channel. Stay tuned and let's meet again.